असल बस मीम कार्बोलिक बेंजोल फिनोलिक एसिड या फिनोल भी कहा जाता है इसको इसकी पॉइजनिंग कार्बोलिज्म होती है इसकी अपेयरेंस प्योर फिनोल की देखें तो वो कलरलेस नीडल लाइक -like क्रिस्टल्स होते हैं लेकिन जब एक्सपोज एक्सपोजर हो जाए एयर की तरफ तो फिर वो पिंक हो जाता है और लिक्विफाई हो जाता है कमर्शियल फिनोल ब्राउन कलर की होती है क्योंकि उसके अंदर सेवरल इम्प्योरिटीज़ होती हैं और इसकी डिसइनफेक्टेंट्स की तरह की एक करेक्टरिस्टिक ओडोर होती है यूज़ की बात करें तो डिसनफेक्टेंट वैक्सीन और सीरा वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए और इच को रिलीव करने के लिए ख़ारिश के लिए एंटी प्रोरेटिक जैसे कहते हैं उसके यूज़ हो प्रॉपर्टीज हो पेरेंट्स हो आपने जो घरों में फ़िनइल इस्तेमाल होती है उसको जहन में रखना है इसको याद करने के लिए सो आई जस्ट एडिट दीज पिक्चर्स ओवर मैकनिजम फिक्शन देखें तो लोकली भी होता है और रिमोट भी होता है लोकली इसका मैकानिज्मिक्शन की बात बात में करते हैं रिमोटली ये डिप्रेशन करता है सी का और शॉक करता है इसमें जो है मैकनिजम फिक्शन को इस तरह से याद रखा जा सकता है कि सी से सी एन एस का डिप्रेशन और शॉक है फिर अगर इसके ये हो गया रिमोट इफेक्ट वापस आते हैं इसके लोकल इफेक्ट्स की तरफ लोकल इफेक्ट्स में दूसरा यहाँ पर सी है इसका मतलब है कि इसके अंदर कोएगुलेशन वाली प्रॉपर्टीज़ हैं प्रोटीन्स का कोएगुलेंट होता है और इस कोगुलेंट कोएगुलेशन की वजह से नेक्रोसिस हो जाती है और फिर ये ए जो है इससे आपने याद रखना है कि लोकल एनेस्थीसिया वाली प्रॉपर्टीज़ भी इसकी होती हैं ठीक है न वर्निंग डिस्ट्रक्शन हो जाती है उसकी वजह से फेटल डोज इसकी ट्वेंटी ड्रॉप होती है और फेटल पीरियड तीन से चार घंटे होता है लेकिन सवेरेटी डिपेंड करता है कुछ दिन भी ले सकता है अगर ज़्यादा सवेयर नहीं है तो अच्छा फिर एस्कसाइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इंजेक्शन पर यह पॉइजन है जो कि वॉमिटिंग नहीं होगी ठीक है और स्वेलविंग जब अच्छा किसी ने स्वेलो कर लिया अब उसके गले में होगा गले में पेन हो रही है स्वेलविंग हो रही है लिप्स और माउथ भी करोडेड हो गए हैं लेकिन वो बाहर भी नहीं आ रहा ठीक है तो बर्निंग और ब्लेंचिंग अपेयर हो जाएगी तो ये वाले इस तरह से इसे याद रखा जा सकता है क्योंकि वो जब अंदर रह रहा है तो वो चिन और चीक्स को भी बर्न करेगा वो लिप्स माउथ और टंग को भी करोड़ करेगा वामिटर्स के जरिए बाहर नहीं आ रहा स्वेलविंग और स्पीच भी पेनफुल हो जाएगी क्योंकि वन अंदर ईयर हॉट बर्निंग पेन होगी फ्राम माउथ टू तो स्टमक और उसके बाद टेंगलिंग और एनेस्थीजिया वगैरह भी होगा क्योंकि वो अंदर है ठीक है तो इस तरह से ऐसे याद रखा जा सकता है इनहेलेशन पर आए तो लेरेंजल और पलमेनरी एडीमा हो जाएगा एप्लीकेशन जब स्किन पर होती है तो वहाँ पर अगेन मैकेनिज्म इन्फेक्शन से रिलेट करें तो कैगुलेशन एंड डीनेचरेशन ऑफ टिश्यू प्रोटीन बर्निंग और पैरस्थीजिया और इसके अलावा एनेस्थेटिक कंपोनेंट होता है एनेस्थीजिया कर देता है फिर मोड इफेक्ट्स में देखें तो सी एन एस का डिप्रेशन करवा रहा है कोल्ड क्लेमी स्किन है वेजोमोटर सेंटर का डिप्रेशन है रेस्पिरेटरी में भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस मौजूद है और ब्रेथ से स्मेल आ रही होगी कार्बोलिक एसिड की स्किन कोल्ड क्लेमी हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं पीपल्स और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये ओपियम पॉइजनिंग में भी होती हैं तो इसको ध्यान से हमें देखना है जब पोस्टमार्टम कर रहे हैं और किडनीज ऑलिग यूरिया एन कंडीशन होती है और यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन, ब्लड कास्ट और को थोड़ी देर स्टैंड बाय पर रखा जाए तो स्मोकी ग्रीन कलर हो जाएगा उसका रूम टेम्परेचर पर ही इसे कहते हैं कार्बोल यूरिया और उसके अलावा डिवेलप हो जाता है एंड के पर कॉमा डेथ बाकी हम अगले, अगले वीडियो में देखते हैं